हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह है हमारा पल्सर 180 UG4। और आपने देखा होगा, ज़्यादातर पल्सर में धीरे धीरे मिरर डिले हो जाते हैं। गाड़ी नई हो तब तो मिरर अच्छे से टिके रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है, ये मिरर गाड़ी की इंजन के वाइब्रेशन की वजह से ढीले हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिरर का प्रॉब्लम सभी पल्सर में कॉमन है, चाहे 150 हो, 180 हो, 125 हो, नया हो या पुराना हो, सभी में ये प्रॉब्लम कॉमन है। और जो लोग जितनी रफ़ गाड़ी चलाते हैं उतने ही जल्दी मिरर ज़्यादा डिले होते हैं, क्योंकि इंजन के वाइब्रेशन की वजह से डिले हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। आपको ये वाली रबर कैप खोलनी है। देखिए, और यहाँ पे तीन फिलिप्स हेड स्क्रू होते हैं, 1, 2 और 3। और वाइब्रेशन की वजह से ये ढीले हो जाते हैं। इसको हमें स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट करना होगा। ये तीनों स्क्रू को हमने टाइट कर लिया है और अभी देखिए कितना टाइट हो गया है। पूरी बाइक हिल जाती है लेकिन मिरर नहीं हिलते। और अभी ये कैप को लगा देना है। और एक चीज़ में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पे ये जो स्लॉट है उसमें ये आ जाना चाहिए, तो ये कैप अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपने सीखा कि पल्सर के मिरर को कैसे टाइट करते हैं और उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। Thank you.